इस वक्त हम मौजूद हैं शोग्राम में हमजा भाई के साथ और राशिद भाई के साथ। ये स्टोरी है 6 दिसंबर 2020 की, जब हमने डिसाइड किया कि दोस्तों के साथ कहीं दूर जाया जाए और 2020 के आखिरी दिनों को खुशी से अलविदा करते हुए अपनी खूबसूरत मेमोरीज को सेव किया जाए। सुबह के वक्त हमारा सफ़र शुरू हुआ और सब दोस्तों ने खूब कोशिश की कि सफ़र को मज़ीद खूबसूरत बनाया जाए और हर एक ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। वाले जल तेरे कर दी तेनु प्यार कर दी ना, मर चलिया मैं तक दी तक दी, सुनिया रामा यार दिया, मार गई उड़ीक मैनु दे गया तरीक, मेरा ढोला नहीं आया है, मार गई उड़ीक। कुछ सफर मंजिल से भी ज्यादा खूबसूरत होते हैं और साथ ही मैं आपको बताता चलूं कि पतझड़ का मौसम है, हर दरख्त उदास और इसका रंग पीला पड़ चुका है, और ऐसे में जब हवा की सरसराहट के साथ जर्द और नारंगी पत्ते गिरते हैं तो बहुत खूबसूरत मंजर होता है। इस वक्त हम केवाई वाटरफॉल पहुंच चुके हैं और आगे का सफर हमने इन जीप्स में तय करना है। मैं शुक्रा के होटल में हूँ, हम सबसे पहले खाना खाएंगे और खाना खाने के बाद यहाँ की ब्यूटी को एक्सप्लोर करेंगे। इस वक्त मैं जिस रूम में हूँ वहाँ पे मज़े मज़े के दो बेड लगे हैं, आप मेरे पीछे देख सकते हैं, और इसके अलावा और यहाँ की अगर व्यू की बात की जाए, इस होटल की जो विंडो है उसके बाहर का जो व्यू है वो बहुत ही आला है, मैं आपको दिखाता हूँ, आप देखें। ये अपने कुछ ख़ास दोस्त हैं लगभग 50 के करीब जिन्होंने हमारे साथ ट्रैवल किया है और इस वक्त अपना एनर्जी लेवल अप कर रहे हैं, और इसके बाद हम आपको बैर के सीन्स चेक कराते हैं। वक्त और दोस्त इंसान को मुफ्त में मिलते हैं लेकिन इनकी कीमत बिछड़ने के बाद मालूम होती है। अभी हम इसी होटल के बाहर आ चुके हैं और बैर के सीन्स कुछ ऐसे हैं। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस ब्रो, आप देख रहे हैं कि यहाँ से कितनी प्यारी बर्फ़ दिखाई दे रही है। यहाँ जो होटल हैं उन्होंने अपनी बाउंड्री वॉल लकड़ियों से बनाई हुई है। उफ़, इतनी खूबसूरती मैं कभी नहीं भूल पाऊँगा। आज हमारी गुड लक है कि यहाँ पे हवा बिल्कुल भी नहीं चल रही है और धूप निकली हुई है, इस वजह से हमें ठंड भी नहीं लग रही और हम खूब इंजॉय कर रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं शोग्राम में हमजा भाई के साथ और राशिद भाई के साथ। अभी हमने खाना खाया और अभी कुछ टाइम मिला, हम 2-3 घंटे यहाँ पे रुकने हैं, उसके बाद हम किवाई की तरफ जाएंगे। हेलो एवरीवन, सीरी पाए इस टाइम पे शाम को घर जाना है भाई, सीरी पाए हम किधर जा पाएंगे। हमारे साथ काफ़ी सारे दोस्त थे इनमें से कुछ वो सामने बैठे हैं और ये राशिद भाई और हमजा भाई जा रहे हैं। हाफिज़ साहब स्पीकर लगा के उन्होंने सॉन्ग प्ले किए, जहाँ पे कुछ लोग घोड़ सवारी भी कर रहे हैं और खूब इंजॉय कर रहे हैं।
साइड पे दरख्त लगे हुए हैं ये, और बहुत आला व्यू है ब्रो। ये थोड़ी सी जगह ऐसी मुझे नजर आई जहाँ पे बर्फ वगैरह नहीं थी, पाँव सोन हो रहे थे, तो मैंने सोचा कि मैं यहाँ कुछ देर आके रुक जाऊँ और फिर आगे का सफर शुरू करेंगे। सो गाइस, बहुत ही आला व्यू है, और इस वक्त मैं दरख्तों के पास पहले मैं खड़ा हुआ था, वो जो सामने आप दरख्त दे रहे हैं वहाँ पे, वहाँ से अभी मैं नीचे की तरफ जा रहा हूँ, और क्योंकि ठंड तो लग रही है लेकिन दिल नहीं कर रहा रुकने को, क्योंकि मेरे पास सिर्फ अब 1.5 घंटा रह गया है इस खूबसूरत जगह में रहने के लिए। 1.5 घंटा मज़ीद हम यहाँ घूमेंगे, और इसके बाद जीप वगैरह हमारा इंतज़ार कर रही है, उसको बैठ के हम वापस नीचे गवाई वाटरफॉल है उधर जाएंगे, और उसके बाद वापस घर की तरफ रवाना हो जाएंगे। मेरे जो सात दोस्त हैं वो पीछे रह चुके हैं, वो उधर थे, उधर हमने स्पीकर वगैरह प्ले किए हुए थे और कुछ डांस वगैरह दोस्त कर रहे थे। एक ऐसे यहाँ पे हाइकिंग भी हो जाती है, और बहुत ही नेचुरल ब्यूटी है यहाँ पे। यार भाई इस पर बड़ा दिल बनाऊंगा ताकि कोई तोड़े। माँ भाई क्या बना रहे हैं? ये मैं दिल बना रहा हूँ। किसके लिए? ये बनाता हूँ, जो जिसके लिए भी बनाऊँ तोड़ देता है यार। ओहो, ये तो बड़ी गलत बात है। मतलब आपको किसी ऐसे बंदे की तलाश है जो आपका दिल ना तोड़े? दिल बने टूटने के लिए नहीं, नीचे से हाथ डाल दिया था। रुक जाना, पीछे से आपका व्यू सारा नजर आ रहा है। पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। मैं खड़ा हो जाता हूँ इस बार। रुक जा, दिल बड़ा होगा, दिल बड़ा होगा, बड़ा दिल बनाएंगे आप। वाओ, ओह माय गॉड, दिखाएं ये दिल है, ये भी आप रख लो। एक मिनट, नहीं इस बार मैंने देने नहीं है। क्या तोड़ देता है, नहीं देना। नहीं नहीं, ये क्या, इधर से हाँ साथ तस्वीर खिंचवा सकते भाई। जे 50-60 रुपए लेने बाद में आप क्या चल रहे हैं। फिर ऐसा हुआ कि शाम का टाइम हो गया और हम सारे दोस्त हंसी खुशी कि भाई वाटरफॉल तक पहुँचे, क्योंकि शाम के टाइम यहाँ पे ऐसी जगहों पे ठंड वैसे भी काफ़ी तेज़ ही हो जाती है, तो सबको काफ़ी ठंड लगी हुई थी। यहाँ से हमने चाय पकोड़े वगैरह लिए, और चाय वगैरह पीने के बाद और यहाँ के जो खूबसूरत नज़ारे उनसे लुत्फानंदोज़ होने के बाद साथ ही हमारी बसेस खड़ी हुई थी वहाँ पर बैठे, और हमारा सफ़र इख्तिताम तक पहुँचा। तो गाइज़, उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो ज़रूर लाइक शेयर और कमेंट कीजिएगा, और नेक्स्ट एपिसोड तक के लिए अल्लाह हाफिज़।